बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो देख लेना, हमें तो आजकल बस चढ़ा हुआ है कुछ नया करने का ना, मतलब कुछ नया करें तो वो क्या है कि कढ़ाइयाँ खा खा के ना, पता नहीं कौन कौन सी कढ़ाई, तो बंदा थक जाता है ना। मैं क्या दुनिया के सफर तो भी बंदा थक जाना, तो कढ़ाइया के सफर तो भी थको, तो निकलो कढ़ाइया चो बाहर, इसलिए नई रेसिपी लेके आ गए। तो ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये सारी इसमें ऐड करें और भी बहुत कुछ, और बिलीव करें इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है, इतना मज़ेदार ये फ्राइड चिकन है, जब आप खाएंगे बनाएंगे तो फिर ऐसे ही होना है कि आपकी तो वाह वाह हो जानी है। तो चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ, बातें काफ़ी ज़्यादा लंबी सी हो गई हैं, चले अब कर लेते हैं रेसिपी स्टार्ट। हमने ली है 2 चिकन, मतलब कि 2 केजी चिकन ली है। तो उसको हमने अब कर लेते हैं जी, थोड़ा सा पानी में डाल के लेमन वगैरह लगा लगू के, तो उसको रख लेते हैं जी साइड पे। ये 2 किलो चिकन हमने इस तरह काट लिया, आप चाहें तो छोटे बड़े जिस तरह आपको अच्छे लगें वो आप काट लें। इसमें डालेंगे पानी, पानी इतना डाल लेना कि अच्छी तरह उसमें डूब जाए, मतलब कि डुबा लेनी है ना, मतलब अच्छा चले वो बाद में करते। तो एक लीमन हमने इसमें निचोड़ लिया, और ये बड़े साइज का एक लीमन था, इसको हमने काट लेना है ऐसे ही आइड, मतलब के ऐसे स्लैस काट के इसके इसमें डालें और इसको छोड़ दें 1.5-2 घंटे के लिए। 1.5-2 घंटे के बाद इसको अच्छी तरह ड्रेन करके ले आए वापस से। ये लीमन से बहुत ही प्यारा चिकन में टेस्ट एनहेंस होता है। तो अब हमने 1 चम्मच कर लिया जी इसमें सोया सॉस का ऐड, ऊपर करेंगे 1 ही चम्मच भर के लहसुन का पाउडर और 1 चम्मच अदरक का पाउडर। अदरक थोड़ा तेज़ होता है लेकिन चिकन काफ़ी ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं आप भी 1 चम्मच ही ऐड कर लें। और 1 चम्मच मतलब 2 टीस्पून हम इसमें करेंगे वाइट पेपर ऐड, और बस नमक हमने जब चिकन को लेमन वाले पानी में डाला था तो तब हमने इसमें 1 चम्मच नमक डाल लिया था, आपने भी डाल लेना। और अब थोड़ा सा फिर हमने नमक डाल लिया तकरीबन 1 चम्मच के आसपास, आगे चल के हम चेक कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, मैरिनेट कर लें ये सारी चीज़ों से, मतलब इसमें इतनी सी जानी है ना, ये फ्राइड चिकन की रेसिपी है तो इसमें इतनी बहुत ज़्यादा लाल मिर्चा कालियाँ, तो एक जिदा फैशन चलिया चिली फ्लैक्स का वो कोई भी नहीं इस टाइम नहीं पा लेना, आगे चल के पा लेने। अच्छा जी, तो देख लें चिकन को मैंने ना कट भी लगाए हुए, आपने भी लगा लेने। तो अब जी चलते हैं अपने जो हमने ऑरेंज लिए थे, माल्टे लिए थे, माल्टों को भी अच्छी तरह उन्हें चोड़ चाड़ लेना, सारा रस माल्टे का कड़ कड़ा के फिर लागे पिए ना लाल मिर्च ना दरदरी कुटी हुई, जिसका चिली फ्लैक्स भी कहते हैं, जिसका हर जो फैशन है ना ये जितने मर्जी पा लो फिट हो जाती है ना। तो जैसे लीमन का रस लीमन कह रहा हूँ, जैसे ऑरेंज का माल्टों का रस निकल आएगा ना, तो फिर ऊपर डालेंगे चिली फ्लैक्स, और साथ हमारे पास पड़ी हुई है स्वीट चिली सॉस, वो भी हमने घर में बनाई है, और साथ ही ये बड़ा हुआ है टमाटो सॉस, ये भी हमने घर में बनाया है। तो रेसिपीज मिल जाएंगे आपको, और 1 चम्मच फिर से दोबारा सोया सॉस ऐड करेंगे और इनको गाल लेंगे अच्छी तरह मिक्स। अब देख लेंगे ये एक हमारे पास बहुत ही प्यारा सा बैटर तैयार होगा, 1 चम्मच हमने इसमें डाल लेना है कॉर्न स्टार्च, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना, गुठली कोई नहीं रहनी चाहिए। कर देते हैं साइड पर और आ जाते हैं जो मैरिनेटेड चिकन है उसके पास ना। तो इसके ऊपर अब हमने करना है जी मैदा ऐड। मैदा आपने अगर आपके पास 1 किलो चिकन है तो आपने 4 चम्मच इसमें मैदा डालना है। हमारे पास 2 चम्मच थे तो हम 2 चिकन थे तो हमने 8 चम्मच इसमें मैदा ऐड किया है। ये बिल्कुल परफेक्ट है ना, मतलब इतना ही इसमें डालना है, ज़्यादा डालेंगे तो ख़राब होगा। इस इतने मैदे से एक तो ना मैदा आपका ज़्यादा ज़ाया होगा ना ख़राब होगा, इतना इसमें अच्छी तरह हो जाता है, अच्छी तरह लग जाता है। तो अब ना जो मैदा लगाया इसको अप्लाई कर लें, बहुत ज़्यादा हाथों के साथ नहीं मसलना, बस ऐसे ही थोड़ा सा हल्का फुल्का सा, और फिर इसको ज़रा सा ऊपर नीचे कमा कमू लें ना चिकन को, कि ताकि जो मैदा है ना ये अच्छी तरह इसको लग जाए। और जैसे ही मैदे को अच्छी तरह चिकन के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं ना, देख ले इसी तरह लगा होना चाहिए। और चलते हैं जी अब फ्राई पैन की तरफ। पैन हमने एडवांस में रखा होता है ना, हमें जल्दी जल्दी वापस जाना, ये वीडियो भी आज काफ़ी लंबी हो रही है, तो कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ करना आप सब ने और वीडियो कंप्लीट देखनी है। तो इसमें क्या है, अब इसी तरह आपने भी चिकन डाल लेना जिस तरह हमने डाला, और 7 से 8 मिनट इसको हाफ डन कर लेना, लो टू मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं चिकन पकाना है, इसको बहुत ज़्यादा
ब्राउन नहीं करना ना इसको, बस हल्का सा एक कलर हमने देना है, और जितनी देर में हल्का सा कलर एक प्यारा सा इसको आता है ना, उतनी देर में ये काफ़ी हद तक कुक भी हो जाता है। आपको दिखा देंगे आगे चल के अंदर में, इसमें ज़रा सा भी आपको रेडनेस या खून वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आने वाला। तो अब इसको पहले फर्स्ट 3 से 4 मिनट तो आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, बिल्कुल ये पंगा नहीं लेना, स्पेशला नहीं घुमाना, चम्मच वगैरह नहीं मारना, आराम से पड़े रहने दें। तो 3 से 4 मिनट के बाद हिलाएंगे तो जो क्रिस्पन होता है ना इसके ऊपर ही रहेगा। अच्छा, इसी तरह ना कर लेते हैं अपना सारा चिकन फ्राई। बात ये है ना कि वीडियो पूरी देखें, ये रेसिपी तो स्पेशल है, अगर आपके पास कभी मेहमान आए तो तब ये रेसिपी आप ट्राई करें। आगे चल के हम आपको दिखाते हैं ये रेसिपी बनाने की वजह क्या है, अगर टाइम मिला तो फिर दिखा देंगे, नहीं मिला तो फिर बाद में। अब दोबारा जी आ गए, चिकन को फ्राई कर लिए, बड़ा सा पैन ले लिया, देश का ले लिया, और इसमें 2 चम्मच हमने दरदरा सा कुटा हुआ लहसुन ऐड किया, इसको ब्राउन कर लिया, और साथ ही जो हमने स्वीट चिली सॉस और टमाटो सॉस रेडी किया था वो सारी चीज़ें जो मिक्स की थी मटीरियल बनाया था वो इसमें ऐड कर दिया। अब इसको ना 4 से 5 मिनट पकाना बहुत ज़रूरी है, मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट इसको पकाएं ताकि जो भी चीज़ें इसमें डालनी है वो अच्छी तरह पक जाएं। और 1 चम्मच हम दोबारा इसमें नमक ऐड कर रहे हैं, आपने भी कर लेना अपने हिसाब से चेक कर लें, इस टाइम जाके आप नमक चेक कर लें, क्योंकि जो फ्राइड चिकन है ना उसमें काफ़ी हद तक नमक जो कम हो जाता है, और वैसे भी हमने कम ही डाला है, 2 kg चिकन है तो इसमें इतना नमक तो बनता ही है, आप चेक कर लें अपने हिसाब से डाल लें। तो अब इसको अच्छी तरह पका लेना, जो मटेरियल है ना जैसे पकता है तो फिर आपको दिखाते हैं आगे चल के ना। तो ये जो बन गया इतना सारा सामान, जो मटेरियल हमने बनाया था ना ये हम आपको दिखा देंगे। अच्छा, नमक मुझे कम लगा था फिर से मैंने थोड़ा सा डाल लिया। तो जो हमने चीज़ें घर में बनाई हैं, ये सॉस वगैरह जो है ना हमने खुद तैयार की हैं, और आप देखेंगे आगे चल के कि ऐसे चिकन को लगते हैं ना, इस तरह चम्बड़ देते हैं ना चिकन जिस तरह ना। अच्छा आओ ठीक है, बहुत अच्छी तरह जो ये हमने एक सॉस तैयार की है ना ये इतना प्यारा, और आप बिलीव करें इतना मज़ेदार, मैंने खाया भी है वो भी आपको दिखाता हूँ। एक तो चिकन फुल डन हो जाता है, मतलब फुली कुक होता है, तो दूसरा ये खाने में इतना टेस्टी है, मतलब स्पाइसी मीठा खट्टा, हाँ बहुत टेस्टी है। तो ये असल में तो हमें तो चाहिए अब रेस्टोरेंट ही खोल लें पाकिस्तान में जाके, क्या इधर प्रदेश में पड़े हो। अब गा लेते हैं जी फ्राइड चिकन आइड, इसमें उसको हमने तकरीबन 5-6 मिनट अच्छी तरह फ्लेम पे पका लिया, आपने उसको पकाना बहुत ज़रूरी है, अगर कच्चा रहेगा ना तो टेस्ट ख़राब होगा। अच्छा, चिकन ऐड करने के बाद सबसे पहले जो काम करना है ना, आपने एक बार तो हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेना है, और उसके बाद क्या करना है, इसको ज़्यादा बिल्कुल नहीं घुमाना, क्योंकि जो चिकन को हमने फ्राई करते वक्त हल्का सा मैदे से मैरिनेट किया था ना वो नहीं उतरनी चाहिए, वो भी रहनी चाहिए, और ऊपर ये खट्टी मीठी जो हमने मटेरियल तैयार किया वे भी चिपकना चाहिए, तो इसलिए घुमाना नहीं। अगर ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत आपको लगे कि थोड़ा आपके पास जो भी है मटेरियल ज़्यादा है तो आप घुमा लें उसको देश के को। तो अब देख लें आपके सामने ना कर रहे हैं इसको प्लेट और ना, तो देख लें ये कितनी प्यारी रेसिपी, और थोड़ा सा ऊपर करेंगे सब्ज़ धनिया गार्निश, और थोड़ी सी 2 सब्ज़ मिर्ची ली थी हम जो बरीक बरीक काट ली है ना, मतलब जिसको और तीखा खाना पकड़े मिर्ची और खा ले ऊपर से ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार डिश है, आपने ट्राई ज़रूर करनी है और वीडियो पूरी देखनी है ना, फ्राइडे ये लोग हमारी वीडियो से थोड़ा दूर ही रहेंगे। अब ना आ जाते हैं कि ये इतनी मज़ेदार टेस्टफुली रेसिपी हमने बनाई क्यों है, इतनी मेहनत, इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन मज़ा तो बड़ा आता है, क्योंकि आज हमारे पास हो रही थी बारिश तो इसलिए हमने ये रेसिपी बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.5-2 साल के बाद बारिश हुई है, हाँ 2 साल बल्कि ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो अब आपने करना ये है कि जब भी आपके पास बारिश हो, मेहमान भी आए हों, अच्छा इस वीडियो में हम आपको दिखा नहीं सकते, आए हुए थे हमारे पास ओवर टाइम वाले तो फिर उनको हमने ये खिलाया, बारिश थी काफ़ी तो बोल रहे थे कुछ खिला देना, हमने बोला चले खिला देते हैं आपको। तो अब ना मैं खा के आपको बता रहा हूँ, बड़ा ही मज़े का, मुझसे नहीं रहा जा रहा ना, हम अमूमन बाद में खाते हैं, आज हम इधर ही शुरू हो गए हैं ना। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है, ये असल में लेडीज़ रेसिपी है और मैंने बना ली, फीमेल भाई बहनों आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है, मेरी ऐसी पता क्यों नहीं करी, इसलिए नहीं करी है कि
ऐसी चीज ऐसी डिश ना लेडीज को बहुत पसंद आती, मतलब खट्टी मीठी है, स्पाइसीज बहुत, नाक और कानों से धुआं भी निकलता हो, इसलिए मैं हंस रहा हूँ कि जब खाएंगे ना आप तो वाह वाह यार तो बड़ी आएगी। अच्छा तो रखिए अब अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।